ओके एमडी क्या 2019 इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट करेंगे 2019 में जो इंग्लिश के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आए थे 2019 में MBBS और BDS के टेस्ट में कराची लेवल पर सिंध लेवल पर आए थे पूरे, तो आसान से MCQ से देख लेते हैं कि चूज द मोस्ट सिमिलर वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन, मीन्स के सैनोनिम जिसको हम कहते हैं सैनोनिम्स या सिमिलर मीनिंग वर्ड्स यूज़ कर लें। एनईटी में से बहुत टफ आते हैं, इसके बड़े आसान होते हैं, ठीक है, ये आपको इंटर लेवल के ही देते हैं जो आसान से होते हैं, सही है। जैसे डिमॉन्स्ट्रेट, तो डिमॉन्स्ट्रेट का क्या हो सकता है हमारे पास, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है कुछ जाहिर करना, कुछ दिखाना, तो क्या होगा इसका आंसर, शो करना। तो ये आसान से वर्ड्स होते हैं, इजीली आप बता सकते हैं, टू डेमोंस्ट्रेट मीन्स टू शो, सही है। तो मसला मतलब इसके लिए तैयारी करके नहीं भी जाते हैं तो हो जाएगा ये ऐसी चीज। नेक्स्ट है सेकंड वर्ड है फ्ली, फ्ली का क्या मतलब होता है, फ्ली का क्या मतलब होता है, फ्ली फ्ली मतलब होता है फरार हो जाना, भाग जाना किसी जगह से। फ्लैट इसकी सेकंड फॉर्म होती है, फ्ली फ्लैट फ्लैट, तो क्या हो जाएगा इसका, एस्केप फरार हो जाना, ए ऑप्शन। थर्ड है अनएम्बिगियस, देखो एक होता है वर्ड एम्बिगियस, एम्बिगियस क्या मतलब होते हैं, एम्बिगियस क्या मतलब होता है, पेचीदा पेचीदा, जो साफ ना हो, जो साफ दिखाई ना दे। अनएम्बिगियस जब आते हैं तो ये उसका एक नेगेटिव वर्ड बन जाता है, अनएम्बिगियस मतलब जो आसान हो, जो सहल हो, जो साफ हो, उसको क्या हो जाएगा, दैट्स क्लियर, ठीक है। तो जो चीज़ क्लियर होती है वो ना अनएम्बिगियस है, और जहाँ पर डाउट होता है वो चीज़ एम्बिगियस होती है, ठीक है। तो ये एक वर्ड हमने देख लिया, बस ये थोड़ा सा नया वर्ड है, इसको देख लेना अनएम्बिगियस का, क्लियर, ठीक है। लेजेंड, लेजेंड का मतलब स्टोरी, स्टोरी कहानी, आपने फर्स्ट में पढ़ा था वुल्फ्स ऑफ सोनोग्रेट्स बाय साकी एच एच मोनरो, उसमें था ना कि व्हाट इज द लेजेंड अटैच टू द कैसल ऑफ सर्नोग्रेट्स, तो लेजेंड या स्टोरी क्या अटैच थी जो कैसल ऑफ सर्नोग्रेट्स है, दैट व्हेन एनीवन डाइज इन द फैमिली कैसल द एंड ऑल द वुल्फ्स वुड होल, पढ़ा होगा ना आपने भेड़ियों वाली कहानी। तो लेजेंड का वर्ड वहाँ पे आप सुनते, तो लेजेंड होता है एक बड़ा आदमी, शाहिद अफरीदी वॉज अ लेजेंड, ऐसे जिस तरह से सचिन तेंदुलकर वॉज अ लेजेंड, तो वो भी एक लेजेंड होता है, और यहाँ लेजेंड मतलब कहानी भी होती है, कोई लेजेंडरी कोई स्टोरी, ठीक है, सही है। तो मसला तो दे आर इजी एमसी, मतलब ना अब उसमें चार में से एक ही गलत कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, अगर करते भी हैं तो मैक्सिमम, वरना चारों सही होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखें पैसेज है, इसके पैसेज इजी होते हैं, और देखो ये सीन पैसेज आया हुआ है, दिस इज अ सीन पैसेज फ्रॉम योर बुक, चैप्टर भी समझ में आ जाएगा आप पढ़ोगे तो, कौन सा चैप्टर है बताओ, द फ्रीडम मीनिंग फ्रीडम ओनली फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेशन इज अ नॉट ओन आइडिया, कौन सा, कौन से चैप्टर बताओ ना, पाकिस्तान एट द मॉडर्न वर्ल्ड बाय लियाकत अली खान, द फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ओनली फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन इज अ नॉट ओन आइडिया, इट इज नॉट मेरली गवर्नमेंट दैट शुड बी फ्री बट द पीपल देमसेल्फ शुड बी फ्री एंड नो फ्रीडम हैज एनी रियल वैल्यू फॉर द कॉमन मैन और वुमेन अनलेस इट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट दिस freedom from disease, freedom from ignorance. This is the main task which confronts us if we are to take our rightful place in the modern world. We cannot hold the clock back, and therefore it is we who must go forward at a double pace, bending all our resources and all our energies to this great purpose. ये पूरा रट्टा लगा होगा आपको, मतलब कोई ऐसे मुश्किल पैसेज नहीं है ये आपने इंटर के लिए तैयारी बड़ी की होगी कि आज़ादी का मतलब अगर सिर्फ ये समझा जाए कि आज़ादी बैरून वतन फॉरन डोमिनेशन से आज़ादी, ये कोई बाहर मुल्क का कोई हुकूमत करता था आप पर आकर, तो ये आज़ादी है, एक ऑटोमन आइडिया है, एक पुराना ख्याल है। इट इज़ नॉट मेरेली गवर्नमेंट, सिर्फ हुकूमतों को ही आज़ाद नहीं होना चाहिए, लेकिन असल में लोगों को आज़ाद होना चाहिए, लोगों को आज़ाद होना चाहिए, और किसी आज़ादी की कोई हकीकी कीमत नहीं है कि एक आम मर्द और आम औरत के लिए जब तक कि उसे अपनी ज़रूरियात से आज़ादी ना मिले, उसे अमराज से आज़ादी ना मिले, उसे जहालत से आज़ादी ना मिले, तब तक आज़ादी कोई हकीकी मायने नहीं रखती अपने। इन सब चीज़ों से आज़ादी होना ही आज़ाद कौम होने का एक मकसद है, और यही वो मेन काम है जो हमारे सामने है अगर हमें इस जदीद दुनिया में अपना मकाम बनाना है। हम घड़ी को पीछे लेकर नहीं जा सकते,
इसलिए हमें दोहरी रफ्तार से आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने तमाम ज़राए को रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने तमाम एनर्जीज को तवानाइयों को इस्तेमाल करना पड़ेगा इस अजीम मकसद के लिए। सही है, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी पैसेज, चूँकि आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में, इसको किसी भी कोचिंग में थे आप पढ़ा तो होगा आपने पाकिस्तान के मॉडर्न वर्ल्ड, तो उसमें ये चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं, एन आउटवर्न आइडिया इज वॉट, अगर कहा जाता है एक आइडिया आउटवर्न है तो उसका मतलब क्या है? गौर से बोलो, नॉट न्यू, पुराना है ना भाई। आउटवर्न मतलब बोसीदा, बोसीदा पुराना, तो आउटवर्न आइडिया पुराना आइडिया। द ग्रेट पर्पस मैंशन बाय द राइटर एट द एंड ऑफ द पैसेज रिफर्स टू, ग्रेट पर्पस अजीम मकसद से क्या मुराद है लियाकत अली खान की? ये तो है नहीं, क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ग्रेट पर्पस ये कह रहे हैं कि हमें हकीकी मकाम हासिल करना है इस जदीद दुनिया के अंदर, और यही ग्रेट पर्पस है जो जल्द से जल्द करना है। सही है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मसला नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चूज अ लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट रियली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड कैपिटल लेटर। एंटोनिम भी आता है चूंकि एम डी कैट के अंदर, एन ई डी में एंटोनियम नहीं आता, सिर्फ सैनोनियम आता है, तो लेकिन उसमें एम डी कैट में एंटोनियम भी आता है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब होता है रोशन, चमकदार, इसको उल्टा क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा, भद्दा, जिसकी रोशनी ना हो, जो भद्दा हो, जिसमें रोशनी ना हो, जो शाइन ना करे, जो चमके ना, जो दमके ना। सही है, तो वेरी इजी, ब्रिलियंट का डल। एनफीबल्ड, एनफीबल का क्या मतलब होता है? आंसर नहीं बताओ, एनफीबल का मतलब बताओ, आंसर में कोई मतलब नहीं है मुझे। वीक, टू वीक समवन, यस बिल्कुल सही, किसी को कमज़ोर बना देना। वैसे फीबल मतलब होता है वीक, फीबल का मतलब तो होता है वीक, और एनफीबल का मतलब होता है कमज़ोर करना किसी चीज़ को। एनफीबल्ड इसका सेकेंड फॉर्म, एनफीबल्ड यूरोप के, द वॉर्स बिटवीन यूरोपियंस एंड अदर ऑक्सीडेंटल्स सो एनफीबल्ड यूरोप दैट इट वॉज नो लॉन्गर एबल टू होल्ड एशिया इन सब्जेक्शन। तो ये लाइन आपने पढ़ी होगी बर्ट्रंड रसल की, इन रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, के यूरोपियंस और दूसरे मगरबी अकवाम की लड़ाई ने यूरोपियंस को इतना कमज़ोर कर दिया कि वो एशिया पे अब अपना तसल्लुत, अपना कब्जा बरकरार नहीं रख पाएंगे। तो वहाँ एनफीबल का वर्ड यूज़ किया था बर्ट्रंड रसल ने। अगर आपने पैसेज के लिए तैयारी की थी सेकेंड डे में तो आपने वर्ड देखा हो, एनफीबल याद भी किया हो। तो एनफीबल का मतलब होता है कमज़ोर, इसका उल्टा मतलब ताकतवर, मजबूत, क्या होगा इसका? पावरफुल, दैट्स ईजी। मतलब पहले तो ओके, इन्वेडर, इन्वेडर किसे कहते हैं? यस बिल्कुल, हमला करने वाला, अटैकर, जो हमला करता है उसको कहते हैं इन्वेडर। इसका उल्टा क्या है? मतलब जो किसी, यस यस सी ऑप्शन, इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स बाशिंदे, जो वहाँ पहले से रहते हैं। इन्वेडर्स को कहते हैं घुस बैठिया, घुस बैठिया मतलब जो बाहर से आ गए और घुस बैठे किसी जगह पर, और जो पहले से वहाँ मौजूद हैं वो इनहैबिटेंट्स, और इनहैबिटेंट्स को ही हटाते हैं आकर इन्वेडर्स, इन्वेड करते हैं, उन पर हमला करते हैं, है ना भाई? जैसे मोहनजोदड़ो वॉज इन्वेडेड बाय आर्यंस 4000 ईयर्स अगो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में पहले जो रहते थे वो कुछ और लोग थे, बाद में आर्यंस ने नॉर्थ से आकर उन पर अटैक किया, पढ़ा होगा आपने ये बचपन में। नेक्स्ट है अनलाइकली, अनलाइकली किसे कहते हैं? मतलब अनलाइकली किसे कहा जाता है? जिसका इम्कान नहीं होता, बिल्कुल, तो उसका उलट क्या हो गया हमारा? दैट्स पॉसिबल, जिसका इम्कान होता है, बी ऑप्शन पॉसिबल। अनलाइकली मतलब विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ इम्पॉसिबल, अनलाइकली, समझ गए? ओके, अच्छा एक, दो पैसे जाए इसमें, एक ही इसमें, मतलब डाउ में दो दो पैसे एक साथ भी आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज फ्रॉम द, दिस इज ऑल्सो अ सेम पैसेज फ्रॉम फर्स्ट ईयर द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर। एंग्लो सैक्सन इज नाउ ऑफ कोर्स अ डेड लैंग्वेज, बट अ गुड डील ऑफ इट्स वोकैबुलरी हैज सर्वाइव्ड इन वन फॉर्म और अनदर टू द प्रेजेंट डे। मोस्ट ऑफ द वेरी कॉमन वर्ड्स इन मॉडर्न इंग्लिश आर एंग्लो सैक्सन इन ऑरिजिन। Nouns like father, mother, food, drink, bed, hunger, most of their prepositions and conjunctions are nearly all the strong verbs. When it was mixed with Norman French,
there were three main results. The grammar was simplified, the pronunciation and spellings became much more complicated, and the vocabulary was enormously extended. French is a Latin language, so the major part of our vocabulary is now Latin in origin. Okay? So Anglo-Saxon, ab yakeenan ek murda zaman hai. Old English jisko hum kehte hain. Angels aur Saxons do kabile the jinhone attack kiya tha, agar aapne padha hai. To Anglo-Saxon ab yakeenan ek murda zaman hai. Koi nahi manta usko. Lekin iski vocabulary, lekin iske words aaj bhi zinda hain. Kisi na kisi form mein aaj ke din tak. Zyadatar common words English language mein jadid English ke andar Anglo-Saxon origin ke hain. Jaise ke nouns like father, mother, food, drink, bed, hunger, ये सब Anglo-Saxon words हैं जो हज़ार साल पहले भी English में थे और आज तक. ज़्यादातर preposition और conjunction और लगभग सारे strong verbs आज भी Anglo-Saxon हम इस्तेमाल करते हैं. जब ये mix हो गया Norman French के साथ, French में जो Normandy का इलाका है वहाँ पे Norman French की language के साथ जब ये mix हो Anglo-Saxon, तो तीन उसके result हुए, तीन नतीज हैं. वो Middle English जो बनी थी उसकी बात करें, दरमियाने दौर की English है, तो तीन इसके नतीजे आए. द ग्रामर वॉज सिंप्लीफाइड, ग्रामर आसान हुई इंग्लिश की. द प्रोनंसिएशन एंड स्पेलिंग्स बिकेम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. प्रोनंसिएशन स्पेलिंग्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई. पहले क्या था, जैसा वर्ड था वैसी स्पेलिंग होती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वर्ड कुछ और हो गया, स्पेलिंग कुछ और हो गया. आज भी इंग्लिश में ऐसे ही होता है. ठीक है, तो स्पेलिंग और जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, एंड वोकैबुलरी वॉज इनॉर्मसली एक्सटेंडेड. क्योंकि पहले सिर्फ Anglo-Saxon की थी ना एक मीनिंग, फिर फ्रेंच वर्ड्स भी उसके अंदर आ गए, इसलिए हमारे पास सैनोनियम की तादाद बढ़नी शुरू हो गई. शादी को वेडिंग भी कहा जाने लगा और शादी को मैरिज भी कहा जाने लगा, एक फ्रेंच लैंग्वेज से और एक Anglo-Saxon से, और ये दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं, वेडिंग भी और मैरिज भी, ऐसे बहुत सारे. तो वोकैबुलरी एक्सटेंड हो गई. तो एक सवाल भी आता था ना आपके फर्स्ट में कि व्हाई इंग्लिश लैंग्वेज हैड सच अ लार्ज वोकैबुलरी, इतनी बड़ी वोकैबुलरी इंग्लिश लैंग्वेज क्यों है, तो एक ही सवाल याद किया होगा आपने इंग्लिश लैंग्वेज से. ठीक है, सो French is a Latin language. French एक लैटिनी लैंग्वेज है. So the major part of our vocabulary is now Latin in origin. तो हमारी vocabulary का ज़्यादातर हिस्सा English language का Latin word से आया है, Latin origin का है. समझ की बात, तो बड़ा आसान है. इसी के मुकाबले में gluten free baking, battle of Chancellorsville, a streetcar named Desire, Antonio's revenge, euthanasia, Vanity के passage ना, वो बहुत मुश्किल है. ये उससे 100 times ज़्यादा आसान है अगर आप पढ़ लो, है कि नहीं है. वैनिटी का पैसेज पढ़ते हैं, उनको पता है, वहाँ तो आपको पता है, आप सिर्फ आंसर्स याद कर लेते हो. तो आपको पता है पैसेज तो वैसे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर पैसेज पढ़ के आंसर लगा सकते हैं भले रिपीट हो ना हो, क्योंकि आसान है. दैट्स व्हाई. नहीं समझे? ओके, डेड लैंग्वेज इज डैश. चॉइसेस भी कितने आसान होते हैं. डेड लैंग्वेज क्या है, किसको कहते हैं, कौन सी लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है? नो मोर स्पीकिंग, जिसको और नहीं बोला जाता वही डेड लैंग्वेज है, वही मरी हुई है ना भाई. कैनेडी में बड़े मुश्किल होते हैं ऑप्शन, चारों से ही लग रहे होते हैं, तो वो फिर रट्टा ही मारना पड़ता है एंड में, ये भी सही है, बी भी सही है, भाई यही लगा लो, क्योंकि आंसर की में ये है. तो रीड छुरी वाले जो PDF आया उसमें यही आंसर था, तो बस वो रट दिया बच्चों ने. ऐसे ही पूरी कराची यही करती है, लेकिन यहाँ पर आप रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही लगा लो ताकि निशान. 12 है, द वोकैबुलरी वॉज इनॉर्मसली एक्सटेंडेड, मीन्स वोकैबुलरी हैज डैश. सिंपल सी बात, एक्सटेंड हुई तो इंक्रीज हो गई. भाई अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये 2019 के पास पेपर है, जाके देख लो, डाउ ग्रेड्स पढ़े हुए बच्चों के पास जाके चेक करो, यही है ना भाई. तो दैट्स ईजी. अब ये नहीं बोल सकते सर MD कट में इतना आसान कैसे आता है, तो भाई ये आसान आ रहा है तो मेरी गलती तो नहीं है. जो जहाँ आसान है, केमिस्ट्री मुश्किल होती है मैं बोलता हूँ, NET में इंग्लिश मुश्किल होती है मैं बोलता हूँ, जो चीज़ मुश्किल है वो मुश्किल है, जो चीज़ आसान है वो आसान है, दैट्स इट. हम उसको चेंज नहीं कर सकते अपनी राय के तहत. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज इन द सेंटेंस टू बी करेक्ट. ये इसको हम लोग कहते हैं भाई हमारा लाइक अब स्पॉटिंग एरर कह लो आप इसको. ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है वो वर्ड या फ्रेज जिसको चेंज होना पड़ेगा सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, मतलब स्पॉट करना एरर को. क्वेश्चन 13 है, व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट फ्राइटेन. ये भी आपकी बुक की लाइन ली गई है एग्जैक्ट. फर्स्ट ईयर माई बैंक अकाउंट, स्टीफन लीकॉक, द फर्स्ट लाइन. When I get into a bank, I get frightened. The clerks frighten me, the desk frighten me, the sight of the money frighten me, everything frightens me. The moment I pass through the doors of the bank and attempt to do a business there, I became an irresponsible fool. I knew this before, but my salary had been raised to. पढ़ा है ना ये? तो ये तो फर्स्ट लाइन ही आपके डायरेक्ट डाल देगी, इससे आसान और क्या करेंगे, बुक की लाइन ही डालने उठाएंगे. तो फ्राइटेंड है ना, फ्राइटेंड होना चाहिए था, आई गेट फ्राइटेंड. तो डी ऑप्शन और क्या.
सही है. ओके 14. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नेवर आई हैड बीन आउट ऑफ द थिएटर दैट नाइट हैड सपर आफ्टरवर्ड्स एंड केम इन लेट. अब देखो यहाँ पर एक नेवर है, एक यहाँ पर दैट है, एक यहाँ आफ्टरवर्ड्स है और एक यहाँ पर लेट है. तो यहाँ पर क्या चीज़ गलत है? बहुत आसान है. क्या होगा इसका? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नेवर आई हैड बीन आउट टू द थिएटर दैट नाइट हैड सपर आफ्टरवर्ड्स एंड केम इन लेट. वॉट? नहीं समझ में आया, जोर से बोले. ए ऑप्शन, यहाँ पर नेवर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था दैट. भैया ना मैटर ऑफ द फैक्ट इज दैट ऐसे बोलते हैं ना, आई हैड बीन आउट टू द थिएटर दैट नाइट. तो नेवर यहाँ पे कोई वर्ड ही नहीं बन रहा है, कोई जुमला ही नहीं, सेंस ही नहीं बनाएगा आपका. बताइए नेवर यहाँ बिला वजह में डाला गया, नेवर से कोई जुमला ही नहीं बन रहा है. आप दैट होता तो यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो जाते, ठीक है. तो ये स्पॉटिंग एरर एक आपने यहाँ पर देखा, तो और देखते हैं और हैं कि शायद कुछ और भी है. 15 भी स्पॉटिंग एरर है. इन मैक्सवेल्स ग्रेट डेज नो इंस्ट्रूमेंट्स हैड बीन मेड व्हिच कुड रजिस्टर द ग्रेटली इनॉर्मसली लॉन्ग वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बहुत आसान है, बताओ. यस, ग्रेटली नहीं होना चाहिए था यहाँ, सिर्फ ग्रेट होना चाहिए था. रजिस्टर ग्रेट एनॉर्मसली लॉन्ग वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है. क्योंकि दो एडवर्ब एक साथ नहीं आते, ग्रेटली एनॉर्मसली, ठीक है. यस को होना चाहिए था एनॉर्मसली ग्रेट लॉन्ग वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से होना चाहिए था, तो सही रहते. ग्रेटली एनॉर्मसली तो ऐसे भी नहीं समझ में आएगा. सही बेटा. 16 या फिर से ये लाइन किस की है, किस चैप्टर की है बताओ. दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन हैज नेचुरली प्रोड्यूस अ मूड ऑफ क्वाइट रेजिस्टेंट. हाँ रिफ्लेक्शंस ऑन द रीविकनिंग इज बाय बर्ट्रांड रसल. द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन हैज नेचुरली प्रोड्यूस अ मूड ऑफ क्वाइट रेजिस्टेंट. कि ये लंबा तजुर्बा यूरोपीय गलबे का इसने कुदरती तौर पर पैदा किया एक मजाहमत एशियंस के दिलों में, यूरोपियंस के खिलाफ, वाइट एम्पेरियलिज्म के खिलाफ. क्या है गलत बताओ इसके अंदर? बहुत इजी. यस दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस. नहीं बेटा दिस सही है. क्या कर रहे हो? क्वाइट रेजिस्टेंट है. देखो इस वाले क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल. यहां पर क्वाइट जो आना चाहिए था वो QUIET क्वाइट आना चाहिए था, खामोश रेजिस्टेंस या खामोश मजाहमत पैदा किए. तो क्वाइट की स्पेलिंग यहाँ गलत है. वैसे देखा जाए तो उसमें हमारे बुक के अंदर इसकी में कोई वर्ड ही था, मूड प्रोड्यूस अ मूड ऑफ रेजिस्टेंस तक था. बीच में कोई वर्ड उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया, तो अगर होता भी तो क्वाइट रेजिस्टेंट खामोश मजाहमत होती. बिल्कुल मजाहमत की जो IT तो मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली एब्सोल्युटली उसके मायने में, ठीक है. तो यहाँ पर क्वाइट यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा होगा. सही समझ में आ गई बात. क्वेश्चन 17 देखते हैं. कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ये सेंटेंस फॉर्मेशन है. अगर आप देखें ना कंप्लीशन है ना, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीशन है. कंप्लीशन करें बहुत आसान होगा. दिस हाउ द हाउस डैश बिफोर यू मूव्ड इन. सी ऑप्शन. दिमाग खराब हो गया कुछ. सारे गलत हैं. होना क्या चाहिए था? ये सारे गलत हैं, कोई भी नहीं लगने वाला. क्योंकि बिफोर आ गया ना, दो पास्ट एक्शन आ गए. अगर ये पास्ट सिंपल में बना तो ये पास्ट परफेक्ट में बनता. तो क्या आता है यहाँ पर? हैड पेंटेड तो नहीं आता बेटा, हैड बीन पेंटेड. पैसिव आएगा. पैसिव है ना भाई, कि मकान को रंग किया जा चुका था जिस जब हम पहुँचे वहाँ पर, जब हम शिफ्ट हुए, मूव इन हुए. तो यहाँ पर हैड बीन पेंटेड करेक्ट हो गए. चारों ऑप्शन गलत है. चारों गलत आए दोनों. चूँकि शायद उनको नंबर दिए गए होंगे, ग्रेस मार्क्स NTS के दौर में होता तो ग्रेस मार्क्स मिल जाते थे अगर गलत MCQ आया था. वरना देखो पास्ट बिफोर आ गया ना, दो पास्ट के एक्शन आ गए.
जब दो पास के एक्शन आएंगे तो एक हमेशा पास इंडेफिनिट में और एक हमेशा पास परफेक्ट में, ऐसे ही होगा। तो अगर ये पास इंडेफिनिट में है तो दो एक्शन है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो काम पहले होता है वो पास परफेक्ट में होता है, तो काम पहले घर पे रंग करने का हुआ तो पास परफेक्ट में होना चाहिए था इसको, सही है बेटा। तो ये हो गया द हाउस हैड बीन पेंटेड बिफोर मी मूव्ड इन, सही है। 18 है, हर हेयर वॉज हैंगिंग डैश हर बैक, हर हेयर वॉज हैंगिंग डाउन हर बैक, यस बिल्कुल सही। तो हर हैंगिंग डाउन हर बैक, ठीक है, हर हेयर वॉज हैंगिंग डाउन हर बैक, डाउन यहाँ पर आएगा तो मसला। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीशन एनईडी के लिहाज से बहुत आसान है, फिर से देख लें, इजी है ना भाई। लेकिन एनईडी वालों को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, हम कोशिश करें कि हम हमें कहीं से पास पेपर्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, और आपको मिले तो आप मुझे बताओ, कहीं से भी खोद के लाओ, ज़मीन आसमान से निकाल कर लाओ, बट बताओ मुझे क्या आ रहा है एनईडी के अंदर कंप्लीशन में, कहीं से भी मिले, एक वर्ड भी हिंट मिले मुझे बताओ, चूँकि ऐसे नहीं आने वाले उसमें, यह आप भी जानते हैं कि ऐसा आया भी नहीं था, तभी किसी के 12, किसी के 16, किसी के 18, किसी के 17 नंबर, ऐसे बिलावाजा में नहीं है। और आप लोगों ने क्वेश्चंस को याद भी नहीं किया उसको जिसको याद करना था, एटलीस्ट इंग्लिश ही याद करके आते, वो भी याद नहीं है, पता नहीं क्यों। ज़्यादा नहीं, शुरू के एक दो वर्ड्स भी याद हो जाते हैं ना तो गूगल से हम निकाल लेते हैं आगे पीछे कर, कुछ ना कुछ कर कुछ निकाले ना भाई मैंने अक्सर, लेकिन फिर भी बहुत सारे रह गए। तो तरीका ये है कि कहीं से मिल जाए, मैंने बड़ा कोशिश किया, नेट पर भी सर्च किया, कल भी काफ़ी ज़्यादा 3-4 घंटे सर्च करता रहा रात के 3:30 बजे तक, लेकिन मुझे मिला ही नहीं, एक ही नहीं मिल रहा कहीं से, ना यूट्यूब से, ना फेसबुक से, ना गूगल से, ना व्हाट्सएप के ग्रुप से, कहीं है ही नहीं इंग्लिश का मतलब कंप्लीशन और स्पॉटिंग एरर, क्यों ऐसा क्यों है पता नहीं मुझे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के धड़ाधड़ मिलते जा रहे, इसका मिल ही कुछ नहीं रहा। मसला तो जिसमें है उसके चाहिए ना, मैथ्स वगैरह केमिस्ट्री तो हम कर लेंगे, नहीं भी मिलेगा तो, लेकिन इंग्लिश में मसला है, चूँकि इसमें ऐसी चीज़ें आ रही जो हमारे कोर्स से रिलेट नहीं करती, समझ गए। तो मिले तो मुझे बताओ लास्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन, तो क्योंकि 18 के बाद आगे बढ़ते हैं 19 में, यू मस्ट डैश बैक बाय 6 o'clock, हम 6 बजे से पहले वापस लौट जाएंगे, यस वी मस्ट बी बैक बाय 6 o'clock, मतलब 6 बजे तक हम वापस लौटेंगे। नेक्स्ट है बर्ड्स यूजुअली डैश एग्स इन देयर नेस्ट, क्या होगा देखो बेटा, इसको मैं बता देता हूँ उसका क्या है, इसमें बहुत आसान वैसे है क्या निकलेगा। देखो एक वर्ड हमारे पास होती है लाई, लाई के हमारे पास दो वर्ड्स निकलते हैं, लाई के एक मतलब हमारे पास होते हैं झूठ बोलना, झूठ बोलना, इसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास होती है लाइड, और थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है लाइड, और एक लाई का मतलब हमारे पास होता है लेटना, लेटना, इसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास होती है ले, और थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है लेन, लाई ले ले, ओके। इसके बाद ले, ले का मतलब यहाँ पर होना होता है अंडे देना, या फिर कोई चीज़ रखा हुआ होना, अंडे देना, इसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास होती है लेड, और थर्ड फॉर्म हमारे पास इसकी होती है लेड। तो जरा उसको जरा देखो, उसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि ऑल दीज वर्ड्स आर डिफरेंट, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, और ये अलग वर्ड है। लाई देखो, एक लाई यहाँ पर आ रहा है जो सेकंड फॉर्म है किसकी भाई, लाई की, और एक ले खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन रही है किसकी, अंडे देने की। तो ये दो ले इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, ये वाला ले और एक ये वाला ले, ये सेकंड फॉर्म होती है और ये फर्स्ट फॉर्म होता है ना, कन्फ्यूजिंग है ये थोड़ा। तो यहाँ पर बर्ड्स यूजुअली डैश, यूजुअली जब आ गया, अमूमन अंडे देती हैं अपने घोंसलों में, तो सिंपल सी बात है हमारे पर टेंस लगने वाला है प्रेजेंट सिंपल, रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं, रूटीन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और जब भी सिंगल प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडे देने के लिए क्या हमारे पास होती है, ले होती है, दैट्स वाई सी ऑप्शन ले हुआ, लेट ले, ये सब क्यों होगा, समझ में आ गए, तो मसला नो इशूज़।